पार्षद का रिपोर्ट कार्ड। इस बार बात होगी वार्ड नंबर 40 की। भरोसा एक छोटा सा शब्द है जिसे पढ़ने में सेकंड, सोचने में मिनट, समझने में दिन और साबित करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। जी हाँ, नमस्कार, मैं हूं सतेंद्र सिंह मीरथल और आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रोग्राम पार्षद का रिपोर्ट कार्ड। पार्षद का रिपोर्ट कार्ड में आज जिस वार्ड के हालात हम आप तक लेकर आए हैं वह वार्ड है वार्ड नंबर 40, जिसके पार्षद हैं राजकुमार राजू, जिन्होंने इस वार्ड को कितना दिया और कितने देने के इच्छुक थे। बात करेंगे और बात उनकी भी होगी जिन्होंने अपने पार्षद को वोट देकर 5 वर्ष की बेफिक्री हासिल करनी चाहिए। लेकिन इससे पहले बात करेंगे पार्षद राजकुमार राजू की और उनके द्वारा किए गए कार्यों की। पहले करते हैं इस वार्ड का दौरा और फिर सुनते हैं लोगों की बात। ये है वार्ड नंबर 40 और जिसके पार्षद है भाजपा के राजकुमार राजू। वार्ड नंबर 40 की अगर बात करें तो इसमें शामिल है दशमेश गार्डन कॉलोनी की गली नंबर 1 से लेकर 5 तक, बाजीगर मोहल्ला, फ्लाईओवर के साथ लगता एरिया, चंबा रेस्ट हाउस से लेकर गांव ढाकी तक का एरिया, चर्च वाली 3 गलियां, शिव मंदिर वाला एरिया, सरकारी प्राइमरी स्कूल वाला एरिया। इस एरिया में कुल वोट संख्या है 2300, जिनमें से विजयी रहने वाले राजकुमार राजू को मिले 709 वोट, जबकि हारने वाले कांग्रेस उम्मीदवार को मिले 582, श्रोमणी अकाली दल की उम्मीदवार अनु को मिले 40 वोट, आजाद उम्मीदवार मधु रैना को मिले 62 वोट। अब सवाल ये है कि आखिर कैसी स्थिति रही वार्ड नंबर 40 की। इस वार्ड में पहले बात दशमेश गार्डन कॉलोनी की। इस कॉलोनी में 5 गलियों में से 4 गलियां बन चुकी हैं, बस एक गली जो गुरुद्वारा साहिब वाली गली है वो बननी अभी बकाया है। बाजीगर मोहल्ला का हाल मिला जुला है, कहीं सीवरेज की समस्या है, कहीं गंदी नालियों की, कहीं पर पीने के पानी की। फ्लाईओवर के साथ लगते एरिया में सब कुछ ठीक ठाक है, लोग संतुष्ट हैं। लोगों ने कहा यहाँ कोई समस्या नहीं है सिवाय पीने के पानी को लेकर। शिव मंदिर एरिया, चर्च वाली गली, गांव ढाकी व चंबा रेस्ट हाउस एरिया में भी थोड़ी बहुत गलियों की गंदगी जरूर है, नालियों की पोजीशन भी कुछ ज्यादा अच्छी नहीं है। हमने सारा एरिया देखा मगर काफी हद तक स्थिति ठीक है, मगर पीने के पानी को लेकर पूरी वार्ड में त्राहिमाम मची हुई है। लोग पानी के लिए तरस रहे हैं और प्रशासन से गुहार भी लगा रहे हैं कि उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा लोगों की एक शिकायत और भी है, वो है कूड़ा लिफ्टिंग को लेकर। उनका कहना है कि कूड़ा उठाने के लिए अगर सरकारी कर्मचारी आता है तो क्यों उनसे फिर 60 रुपये प्रति माह लिया जाता है। वैसे ये स्थिति पूरे पठानकोट की है, सब लोगों को इस बारे में शिकायत है मगर निगम अपना मुंह इस बारे में खोलना नहीं चाहती। और जब वार्ड पार्षदों से इस बारे में पूछा जाता है तो वे कहते हैं कि वो काम करवा रहे हैं, सब ठीक है। इतना ही नहीं, हारने वाले कांग्रेसी प्रतिनिधि भी काम का श्रेय लेने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। उनका भी यही दावा होता है कि वे सारा काम वही करवा रहे हैं, लेकिन यहाँ स्थिति कुछ चुनौतीपूर्ण दिखी। यहाँ पर वार्ड पार्षद ने खुली चुनौती देते हुए कहा कि अगर इसे जनरल वार्ड बना दिया जाए तो वे दुगनी वोटें लेकर के जीतेंगे। लेकिन बात यहाँ होती है सबसे महत्वपूर्ण पक्ष जनता की, कि आखिर उनके मन में क्या है, आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। जी दोस्तों, इस वक्त हम लोग खड़े हैं वार्ड नंबर 40 के चंबा रेस्ट हाउस वाली गली में। बात करते हैं लोगों से यहाँ पे कि किस तरह की कोई प्रॉब्लम है यहाँ पे या नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी समस्या तो जो है वो पानी की है। मतलब हमारे यहाँ पे जो ट्यूबवेल पास में ही है, यहाँ पे लगा हुआ है, तो उसमें हफ्ता हफ्ता कई बार तो मोटर खराब रहती है। मोटर की दिक्कत तो बहुत समय आती है। साड़ी जी गली है, जो वाटर सप्लाई आई है तो घर पानी जो है कोठे तक छत चढ़ जाता है। लोगों ने मोटर लगा ली, फिर पलीटी का प्रेशर जाके इन्होंने एक जो बाल ही वो बंद करता, तो मोटर ही उत्ते जाने टूटियाँ हड्डियाँ च पानी नहीं आता है। पिछले 10 साल तो अं एम सी ध्यान भी लिया, कोई सुनवाई नहीं है। इतने गलियां बनिया ने बिल्कुल थर्ड क्लास मटीरियल लगाया, अं एम सी ने भी गया, वो भी नहीं इतने आया। ठीक है, पहला समस्या हैगी ही, पर हूँ यह है कि चलो गलियां गुलियां बन गई हड्डियाँ, तो ठीक है। एम सी बहुत धन्यवाद। सो इस वक्त हम लोग खड़े हैं वार्ड नंबर 40 के बटाला कॉलोनी में। बात करते हैं लोगों से कि इन्हें कोई समस्या है या नहीं। पानी रेगुलर नहीं आ रहा टाइम से, पिछले जिंदा छड़ भी रहे हैं लेकिन प्रेशर नहीं है। इस दे बारे तुसी अपने एमसी नाल गल की थी? उन्होंने पता सब कुछ इस बारे, सारे मतलब दुखी रहे इस टाइम ते बारो लेंदे रहे पानी ही। नंबर देने हुण दसां विचों ते किन्ने दोगे? अप्रोक्सीमेटली 7। छोटी मोटी समस्या ही जिहड़ी कि हर पासे हुंदी रहिंदी है, थोड़ी जी बिजली समस्या आई सी ट्रांसफार्मर ते,
फिर सी एम सी साहब नूं फोन मारिया सी, उन्होंने जिस दिन फोन मारिया छेती छेती कार्रवाई की और जल्दी जी हल हो गई। पानी की समस्या जो आई उदों भी अं एम सी नूं फोन मारिया, उन्होंने कहा जी छेती कार्रवाई हो गई, शाम तक पानी भी आ गया। कि जो भी गलबात साढ़े नाल भी जाते हैं, फोन पर कहो तो सुनते भी है, मिलन भी आते हैं गली जे किसी का फैसला कराना है। ਕਿ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ ਦਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓ? ਪਰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਹੀ ਦਵਾਂਗਾ ਸਰ। ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ, 100 ਵਾਟ ਦਾ ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਰ ਹੈ, ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ ਵਾਰ ਸ਼ੂਟ ਹੁੰਦਾ, ਬੱਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਐਮ ਸੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਐਮ ਸੀ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ ਦਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? ਵਾਹ ਜੀ, ਮੈਂ 10-ਚੋਂ 10 ਨੰਬਰ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੀ ਐਮ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੂੜਾ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ ਟਾਈਮ ਸਿਰ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਚੁੱਕਣ ਦਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਅਤੇ ਐਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦਾ? ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਸੁਣਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਐਮ ਸੀ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂ ਜੋ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? 8 ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਈ ਵਾਲਾ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਮੁੰਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲੀ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਬਾਕੀ ਗਲੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਐਮ ਸੀ ਨੇ ਪਾਵਰ ਸ਼ਾਲਟੀ ਕਰਕੇ, ਦੋ ਲੜਕੇ ਹੋਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਬੀ ਜੇ ਪੀ ਦੇ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਗਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਾਰਨ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਾਰਸ਼ਲਟੀ ਕਿਉਂ? ਪਾਰਸ਼ਲਟੀ ਪਾਰਟੀਬਾਜ਼ੀ, 2-3 ਨੰਬਰ ਹੀ ਬਣਦੇ ਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਾਲਾ ਪੂਰਾ ਓਪਨ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਓਪਨ ਹੈਗਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਹੋਵੇ, ਚੱਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਛ ਐਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਉਹ ਕਵਰ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਔਰ ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਬਰਸਾਤ ਦੇ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਇਹ ਪੂਰਾ ਫੁੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਗੰਦ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਹਿੰਦਾ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਐਮ ਸੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਦਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓ? 2 ਹੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਐਮ ਸੀ ਦੇ ਦਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓ? 6-7 ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕਭੀ ਕਭਾਰ ਲਾਈਟ ਜਾਤੀ ਆਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਐਮ ਸੀ ਵਗੈਰਾ ਠੀਕ ਕਰਵਾ ਦੇਤੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਮ 10 ਮੇਂ ਸੇ 8 ਨੰਬਰ ਐਮ ਸੀ ਕੋ ਦੇ ਦੇਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਅਭੀ ਤੋ ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਥੀ ਕੁਛ ਦਿਨ, ਪਰ ਅਭੀ ਵੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਔਰ ਅਭੀ ਬਰਸਾਤੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਗਲੀ ਮੈਂ ਜੈਸੇ। ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਚ ਵੈਸੇ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਹੈ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੀਵਰੇਜ ਵਗੈਰਾ ਪੀਦਾ, ਲਾਈਟਾਂ ਵਗੈਰਾ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 40 ਮੇਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਆ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਯਹਾਂ? ਮੁਝੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਤੀ ਯਹਾਂ ਪੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਤਾ ਹੈ, ਲਾਈਟ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਤੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤੋ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਹਾਂ ਪੇ। ਆਪਕੇ ਜੋ ਐਮ ਸੀ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ, ਵੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਤੇ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪੇ? ਹਾਂਜੀ, ਕਰਤੇ ਹੈਂ। ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਜਬ ਆਪ ਐਮ ਸੀ ਕੇ ਪਾਸ ਲੈ ਕੇ ਜਾਤੇ ਹੋ ਤੋ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਤੀ ਹੈ? ਅਭੀ ਤੱਕ ਤੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪੜੀ ਮੁਝੇ, ਬਟ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੜੇਗੀ ਤੋ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਜਾਊਂਗੀ। ਸੁਪ੍ਰੀਤੀ, ਪਾਰਸ਼ਦ ਕਾ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਤਿਆਰ ਕੀਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਮਾਰਕਸ ਦੀਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਸਕੇ ਕਾਮ ਕਾਜ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਪੰਚਵਰਸ਼ੀ ਕਾਮ ਕਾਜ ਹੈ, ਸੋ ਅਗਰ 10 ਮੇਂ ਸੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਗੇ ਆਪਕੋ ਤੋ ਕਿਤੇ ਦੋ? ਓਬਵੀਅਸਲੀ 10। ਨਹੀਂ, ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਅਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਲਾਈਟਾਂ ਵੀ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਮ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਚੱਕਰ ਮਾਰਦੇ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਐਮ ਸੀ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤੰਗੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 40 ਮੈਂ ਇਸ ਵਕਤ ਬਾਤ ਕਰੂੰਗਾ ਮੈਡਮ ਅਨੂ ਜੀ ਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕੀ ਔਰ ਸੇ ਯਹਾਂ ਪਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲੜਾ ਥਾ ਪਾਰਸ਼ਦ ਕਾ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਸੇ ਇਨਕੀ ਹਾਰ ਹੋਈ ਥੀ, ਪਰ ਕਰਤੇ ਹੈ ਇਨਸੇ ਬਾਤਚੀਤ। 40 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਨੇ ਮੈਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਿਆ, ਮਗਰ ਮੈਨੂੰ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਏ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਅਗਰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ। ਇਹ 40 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਪੁੱਛੋ ਨਾ, ਇੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਰਮੰਡਲ ਬਾਲਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਨੂੰ 40 ਨੰਬਰ ਵਾਰਡ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਗਲੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਟੁੱਟ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਕਦੀ ਜਦੋਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੀ ਗਲੀਆਂ ਵਾਲੇ ਘਰ ਜਾਂ ਨਾਲ ਦੇ ਦੁਰਦੁਰ ਵਾਲੇ ਘਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੰਮ, ਐਮ ਸੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਵੀ ਠੀਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਮੈਂ ਉਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਜੋ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਐਮ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਕਤ ਹਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੈ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 40 ਕੇ ਢਾਕੀ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਵਾਲੇ ਏਰੀਏ ਮੇਂ, ਕਰਤੇ ਹੈ ਬਾਤ ਯਹਾਂ ਕੀ ਜਨਤਾ ਸੇ ਕਿ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਆਉਂਦਾ? ਪਾਣੀ ਸਾਫ ਆਉਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਕੂੜਾ ਚੱਕਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਆਉਂਦੇ ਨਾ। ਸੀਵਰੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ? ਸਾਫ ਨੇ। ਸਾਫ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਸਾਂ ਚੋਂ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ ਦਸਾਂ ਚੋਂ? ਦੇਹੋੜਾ 5 ਕੇ ਨੰਬਰ। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਹਮ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੈ
ते जेड़े नालियां ना ये भरोई जांदियां ना पानी साढ़े अंदर बढ़ता सारा क्योंकि इन्ना पानी डाउन है। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮ ਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ? ਐਮ ਸੀ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਐਮ ਸੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਪੀਣ ਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦਾ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ? ਪੀਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬੜਾ ਸਿਆਪਾ ਆ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਨੂੰ ਪੀਣੇ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ 6-6 ਦਿਨ 7-7 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਦੂਸਰੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਣ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਜਗਦੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਔਰ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਐਮਸੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ? ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਚੱਕਰ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਐਮਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਦੱਸਾਂ ਜੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓ? ਮੈਂ ਤਾਂ 0 ਦਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗਲੀ ਦੀ ਆਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਗਲੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ 6-7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਏ ਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗਲੀ ਦਾ ਕੋਈ, ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰੇਜ ਵੀ 2-3 ਵਾਰੀ ਟੁੱਟੀ ਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਟੁੱਟੀ, ਹੁਣ ਵੀ ਉਹ ਸੀਵਰੇਜ ਤੋੜ ਤੜ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਦੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇੱਦਾਂ ਸੜ ਗਿਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ 'ਤੇ ਕਰਨੇ ਪੈਣਾ ਇਹ ਕੰਮ। ਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ ਐਮ ਸੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਾਂ ਜੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓ? ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿਆਂਗਾ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਡਾ ਜਾ ਕੀਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੰਬਰ ਕਾਹਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਗਲੀ ਮੇ ਪਾਣੀ ਭਰਾ ਰਹਿਤਾ, ਇੱਧਰ ਪਾਣੀ ਭਰਾ ਹੈ, ਉੱਧਰ ਦੇਖੋ ਆਗੇ ਆਪ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਦੇਖ ਲਓ ਪਿੱਛੇ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਜੂਆ ਖੇਲਣੇ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਵੀ बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। ये जो पानी भरा रहता है या जो लड़के यहाँ पे जुआ खेलते हैं, इस बारे में एमसी से कभी बात? उनसे बात नहीं, एक बार मैंने एफआईआर की थी तो साइन वगैरह कर दिए थे उन्होंने। तो इसका कोई हल जो है क्यों नहीं निकला? क्या पता, अब मैं खुद ही, मतलब मैं अकेली ही करती हूँ, लास्ट टाइम भी मैंने अकेली नहीं किया था, कोई पड़ोसी, कोई नहीं निकलता है बाहर, किसी को प्रॉब्लम नहीं है। एमसी के काम काज को देखकर अगर नंबर देने हो 10 में से तो कितने? 5 ले लो। सर जी इतने पानी की बहुत ज्यादा समस्या है, पिछले भी 14 दिन पानी बंद रहा, ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮਿਲਿਆ ਸਵੇਰ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ, ਇਸ ਪਾਈਪ ਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਇਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਗੁੰਦਾ, ਮਾੜੇ ਮੁਸਕ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪਾਣੀ ਜੀ, ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਐਮ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ? ਐਮ ਸੀ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਓ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ, ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਉਹ। ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਡੀ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 8-8 ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਟੈਂਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭਰੁੱਚਦੀਆਂ, ਇੰਨਾ ਕੁ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਅਤੇ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਅਸੀਂ 3-3 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਖੜੋ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵਾਰੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ 2 ਬਾਲਟੀਆਂ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਘਰ ਛੱਡ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ 3 ਘੰਟੇ ਖੜੋਣੇ ਪੈਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਹੁਣ ਵੀ ਪੀਣ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਦੂਜਾ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਇਹ ਵਰਤਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਵਰਤ ਦੂਜੇ ਵਰਤੋਂ 'ਚ ਕਰੋ। ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, 0। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਹੈ, ਅੱਧੇ ਮਹੱਲੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ, ਅੱਧੇ ਮਹੱਲੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ ਐਮ ਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇ? 0। ਇਸ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੱਸਿਆ 1 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਔਰ ਲਿਕਣੇ 'ਚ ਸੀਵਰੀ ਮਿਕਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਸ ਬਿਲਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਜੇ ਬਣਾਏ ਆ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਵੋਟ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ, ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਐਮ ਸੀ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਕਾਰਿਆਕਰਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਐਮ ਸੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 0 ਬੈਨਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਢਾਕੀ ਪਿੰਡ ਏਰੀਆ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ? ਇੱਥੇ ਬਈਆ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੈ ਬਸ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਕਿ ਗੰਦਾ ਬੜਾ ਆਉਣ ਡਿਆ, ਮੁਸ਼ਕ ਬੜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸੀਵਰ ਵਾਲੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਗਾਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਜੇ ਐਮ ਸੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੇਖ ਕੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂ 'ਚ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ? 0 ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਭਾਜੀ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਨਲਕੇ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਵਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਮਿਕਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਚਾਹੇ ਪੈਪਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਭੱਜੀਆਂ, ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਾਫ਼ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ 5-7 ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਮ ਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸਮੱਸਿਆ ਬਾਰੇ? ਐਮ ਸੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਐਮ ਸੀ ਨੇ ਕੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜੇ ਐਮ ਸੀ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੁਣ ਦੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? ਇਹਦਾ ਨੰਬਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀਵਰੇਜ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਐਮ ਸੀ ਦੌਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇੱਧਰ? ਐਮ ਸੀ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਵਰਦਾ ਨਹੀਂ ਐਮ ਸੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦਿਓਗੇ ਦੱਸਾਂ 'ਚ ਐਮ ਸੀ ਨੂੰ? 0 ਸਮਝੋ ਜੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਗਲੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, 15-15 ਦਿਨ 20 ਦਿਨ ਪਾਣੀ ਜੋ ਆ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਵਰੇਜ ਮੈਂ ਮਿਲੀ ਜੁਲੀ ਪਾਣੀ, ਔਰ ਪੀਣੇ ਜੋਗੇ ਕਈ ਕਲੋਨੀ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਈ ਕਹਾਂ 'ਚ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹੈ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਲੈ ਕਰਕੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹਮਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੋ ਐਮ ਸੀ ਕੋ ਨਹੀਂ ਬਤਾਇਆ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇ ਬਾਰੇ? ਨਹੀਂ, ਐਮ ਸੀ ਬਤਾਏ, ਐਮ ਸੀ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਗੇ ਐਮ ਸੀ ਕੋ ਉਸਕੇ ਕਾਮ ਕੋ ਦੇਖ ਕੇ 10 ਮੇ ਸੇ ਤੋ ਕਿਤਨੇ ਦੋਗੇ? 0। ਸੋ ਇਸ ਵਕਤ ਮੈਂ
पिंड जो एरिया है वहां पे, यहाँ पे लोग आप देख रहे हैं जिन्होंने हाथ खड़े किए हुए हैं प्रशासन के खिलाफ कि यहाँ पे इनको पानी जो है साफ मुहैया हुआ ही नहीं, और इनकी सीवरेज की प्रॉब्लम भी है। आप देख रहे हैं लोग यहाँ पे गुहार लगा रहे हैं, इनके बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, इनके घरों में जो है सीवरेज के ब्लॉकिंग के कारण जो है वो पानी बैक आ रहा है ना, इनके घरों में कीड़े आ रहे हैं, और इनका ये कहना है कि पीने का पानी इतना दूषित है कि उसमें स्मेल आती है, ये और इनके बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, और एमसी जो है वो कभी यहाँ पे आया ही नहीं। तो क्या कहेगा एमसी इसके बारे में, ये सवाल जरूर करेंगे हम एमसी से। हाँ जी, की ना जी, जस्सी जस्सी जी, ये ढाकी एरिया पैंदा है वार्ड नंबर 40 का, इतने की समस्या आ रही है? पर समस्या है कई बार पानी भरो जाता, कई बार पानी लीक करता गलियों च, समस्या है मच्छर मक्खी बहुत ज्यादा है, इतने गलियां छोटिया ने, लोकी लंघन तो बहुत तंग होंगे थे। देखो जी समस्या है, देखो तुहाडे सामने ही है जी समस्या है, कैमरा मार के देखो भाजी, ये देखो उत्थे जिन्ना भी पानी है ना सारा ही खड़ा हो जाता उत्थे, कि उन्होंने बनाया तो है ही पर उन्होंने पूरा इनू वेरवे पूरे सही ढंग नाल नहीं बनाया गया, फिर महल जी 500 रुपये अपने को पा के जिन्हें भी घर पत्ती है ही यह सीवरेज उन्होंने पूरा मतलब योगदान देता उन्होंने अपने को, मतलब 3 नंबर देने चाहिए मेरे हिसाब से। इस वक्त हम लोग खड़े हैं वार्ड नंबर 40 के बाजीगरा मोहल्ले में, करते हैं यहाँ पे लोगों से बात और जानते हैं कि इन्हें कोई समस्या है या नहीं। समस्या सर देख लो, उम्रां तो यह साड़ी गली नहीं बन पाई जी, किसी ने भी आके सानू पुछया नहीं, बरसातां हुंदियां पानी खलो जांदा, मच्छर गंदगी ते आप ही असी साफ करते हैं सर, भी इन बनाया किसी ने नहीं। तो एमसी दे कामकाज नू देख के जे नंबर देने हुण दसां चो ते किन्ने? 0 जी, 0। समस्या यही है जी, पहला से पानी रुकता ही बरसात का, फिर आपे जिन्ना खर्चा होया सारे रल मिल के किया, तो एमसी का कोई ये रोल नहीं ना कोई किता ना कोई। तो एमसी आउंदे नहीं थे दौरा करन, नहीं आउंदे देखदे नहीं समस्या? कोई नहीं आउंदा ही नहीं थे। हाँ जी, नहीं आउंदा। नंबर देने हुण दसां चो ते किन्ने दिओ? 0 भाई, वार्ड नंबर 40 से पहले नंबर से साढ़े महल से कोई बाईगर महल से कोई वड़ता ही नहीं है, जोड़ा आएगा वो अपने काम वास्ते आया, दूजे काम से कोई नहीं आता है, क्योंकि साढ़े महल से अद्धी गली बनी है, अद्धी बन की पता नहीं मेरे ख्याल 10 साल हो गए गली नहीं बनी, वो बाद लोगों सीवरेज पै गए, सीवरेज दलियां बन गई, इन्हों गलियां ही नहीं बनिया है, कि पानी जो डुको जाता बरसात हो तो फिर तंगी आती, हूँ पिछले 5 दिन पानी नहीं आया। एमसी दे जे नंबर देने हुण दसा चो ते किन्ने दिओगे? इन्हां नूं तां 0 भी नहीं देनी चाहिए। की समस्या जी इत्थे तुहानूं वार्ड नंबर 40 च? साडी इह है जी, पहले सड़क चलदी सी, रस्ता चलदा सी गली बंद की गई, अगो पानी जिन्ना भी साडे अंदर आ जांदा। अच्छा जी, ये कमरे ने इतने तक चला जाता पानी? भैया अंदर तक जाता पानी, दोनों कमरे अंदर तक कमरे भरोए जाते जी, इन्ने ने गोडे गोडे पानी हों। एमसी तुम जो नंबर देने और दसा चो तो किन्ने दोगे? अं 0 दवांगे जी। समस्या महाराज अभी तो इतने 25-30 साल तो रह रहे हैं। ठीक है, ये गली नाली गली मेरी किसी ने बनाई नहीं, दूजा मेरी गली के देखो परनाले कि कटे दिया गया, मेरे नंबर ही कोई नहीं है जी, जो मेरी गली नहीं बना सकते मेरे लिए कोई नंबर नहीं होता। ये 40 नंबर वार्ड की यह समस्या है, एक तो सानू गली की बड़ी प्रॉब्लम है, जद की गली बनी कोई इतने रिपेयर करने वाला नहीं आया, जिड़ी भी ये गली रिपेयर करते असी आप खुद करते हैं, दूजी जद तक भी जदों की यह गली बनी हुई है कोई भी इतने सफाई कर्मचारी नहीं आता। सीवरेज पे इनू कितना चिर हो गया? इनू कोई 5-6 साल हो गया जी। जे 5-6 साल हो गया तो हाले तक ये पाइपा क्यों नहीं एडजस्ट की? ये कोई सानू करन वास्ते आया ही नहीं, एक बार आए थे कि एक अंदर कर दिए या बाहर कर दिए, वो मुड़ के कोई साढ़े को आया ही नहीं। जे एमसी दे कामकाज देख के नंबर देने और दसा चौदह किन्ने दोगे? असी तो एमसी नू नंबर तो कोई नहीं बनता जी उन्हों का, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम च यही है समा कढ़िया। तो बड़ी समस्या है, देखो सर तुहाडे सामने ही है कैमरा मार सकते हो तुसीं, इसका तो पूरा ढेर लगा होंदा साइड ते कुआड़ दे में, जिद्दां बोरे पूरा ढेर लगा होंदा, इधरों मोटरसाइकिल जाना आना अंदर गड्डी लेनी बहुत वड्डी समस्या जनूं कहिंदे, हालांकि मेरा मोटरसाइकिल भी 1-2 वारी बच चुका है। ते जे नंबर देने और दसां विचों ते किन्ने? सर 0% समझो। जब से मैंने एक तो सबसे मेन जो प्रॉब्लम है इसमें सीवरेज लाइन का भी कोई व्यवस्था है नहीं गली में, तो सबसे मेन प्रॉब्लम वो है, देन गली के नाली भी जो है आप देखा है धीरे आपको तो इतना साफ है नहीं, जब ये अगर हफ्ते में कम से कम एक बार रेगुलरली साफ हो जाए 6-7 नंबर ही होना चाहिए। सर इतने समस्या भाई, इतने तुम देख सकते हो कि सारी ढक सीवरेज पै चुकी है, तुम ये देख सकते हो कि 3 गलियां है साढ़े इतने, एमसी साडा राजू है ढाकी वाला, इतने भाजी सीवरेज हले तक नहीं पई। ठीक है, सब तो वड्डी समस्या जिहड़ी, तो दूजी गल सर यह है कि इतने पानी भाजी साडा पानी 6 महीने हो गए पानी दी आए, हुण जदों कहोगे वह कहिंदे कभी मोटर लाई दी है अज लगनी कल लगनी है, तो ये प्रॉब्लम सर हैगी है, मैं तो 0 दवांगा सर।
इस वक्त हम लोग खड़े हैं वार्ड नंबर 40 के चर्च वाली गली में। करते हैं यहाँ पे भी लोगों से बात और जानते हैं कि किस तरह की कोई समस्या है या नहीं। पानी की बहुत समस्या। पानी की समस्या एक किन्ने चिर तो? 6 महीने हो गया। 6 महीने हो गया। ते तोड़े एमसी नहीं आए इधर करे देखन तक नहीं आए, वोट लैन आए सिर्फ। जे तुसी अपने एमसी नू ओदे कामकाज देख के नंबर देने हुण दसां च ओदे किन्ने दियो? अहीं दो भी नहीं देंगे। समस्या पहली स्वीप, पहला स्वीपर है नहीं। अच्छा। दूसरा पानी है नहीं। एमसी कदे नहीं आए इधर करे मौका देख? कदे नहीं आए इत्थे देखण। ते तुसी जे नंबर देने हुण अपने एमसी नू दसां च ओ ते किन्ने दियो? दसां च -10 दऊंगा जी। इसको कोई पानी नहीं है, म्युनिसिपैलिटी से कोई पानी अभी नहीं है। बीच बीच में कभी कभी आता है, कभी नहीं आता है। इस बारे में यहाँ के जो एमसी हैं उनसे कभी शिकायत नहीं की? शिकायत बहुत बार की है। हाँ। उसने कोई बोला करेंगे बोला, अभी तक कुछ नहीं कर रहे। बहुत समस्या है। तो अगर उनके काम काज को देख कर उन्हें नंबर देने हो 10 में से तो कितने देंगे आप? अभी कोई काम नहीं करते, 0 पॉइंट होगा। इस वक्त हम लोग खड़े हैं वार्ड नंबर 40 के दशमेश गार्डन कॉलोनी एरिया में। करते हैं यहाँ पे लोगों से बात और जानते हैं कि इन्हें कोई समस्या है या नहीं। ऐथे जी 1 साल तो ऐथे खड्डा पिया सी पहले सीवीआर और नाल, उस तो बाद कोई देखण नहीं आंदा इनू सड़क नू, किसे ने बनाई नहीं। मेरे कहन दा भी 1 साल तो ये टुटी फुटी है सड़क, पहले तो इत्थे किन्ने वारी डिगे नहीं। इत्थे वार्ड नंबर 40 दे जिहड़े एमसी ने राजू महाजन, ओह तो मैं कदी देखे नहीं, असीं नहीं देखिया जी। इक ते ਇਹ ਵੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਣੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਲੰਬਾ ਡੂੰਘਾ ਟੋਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ 3 ਟੱਬਰ ਖੁਦ ਪਾਏ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਇੰਨੇ ਨੇ ਵੀ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੱਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਦਿਖਾਇਆ ਇੱਥੇ ਮੌਕਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ? ਐਮਸੀ ਇੱਥੋਂ ਰੋਜ਼ ਲੰਘ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਰਾਹ, ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਰਾਹ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਆਹ ਆ ਸੜਕ ਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਆਹ ਸੜਕ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਸਾਡੇ ਲਾਈਟਸ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਟਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ ਵੀ ਲਾਈਟਸ ਲਗਾਓ ਇੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਇਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਦੋਂ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਗਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਮੇਨ ਹੈ ਉੱਥੇ ਟੁੱਟ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਰੁਕਿਆ ਰਹਿੰਦਾ, ਲੰਘਣ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ 6 ਗਲੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਧਰ ਇਹ 6 ਨੰਬਰ ਗਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲੀ ਵੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਐਮਸੀ ਦਾ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗਲੀ ਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਡਿੱਕਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਾਉਣਾ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਾਡੇ। ਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬੇਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਐਮਸੀ ਕੰਸਰਨਡ ਰਾਜੂ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਰੀਆ ਮਹੱਲਾ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗਾਰਡਨ ਕਲੋਨੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਸੋ ਐਮਸੀ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਦਸਾਂ 'ਚੋਂ ਤਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ 3 ਨੰਬਰ ਹੀ ਦਿੰਦਾ 100 'ਚੋਂ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 40 'ਚ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ, ਕੰਪਲੇਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਐਕਸ ਜੋ ਸਰਪੰਚ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਨਾ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਲਾਈਟ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਆ, ਮੇਨ ਗਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇਣੇ ਹੋਣ ਐਮਸੀ ਨੂੰ ਦਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਓ? ਉਹ ਤਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, 2-3 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਤਾਂ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਐਮਸੀ। वार्ड नंबर 40 में मैं इस वक्त बात करने जा रहा हूं मधु रैना जी से। जी हां, मधु रैना जी, जिन्होंने वार्ड नंबर 40 में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन लड़ा था, पर बदकिस्मती से इनको हार नसीब हुई। नमस्कार जी। आपने आज़ाद उम्मीदवार इलेक्शन लड़ा था, एमसी कैसा काम कर रहे हैं बताइए। सर अभी तक तो कभी किसी से सुना नहीं है कि एमसी ने कोई काम किया है। एमसी किसी काम का नहीं है यहाँ का। ये कर सकता है कि जहाँ से इतना सा उठा के वहाँ कर देता है, जहाँ उसकी वोटें हैं उनको वहाँ ले आता है, और हमारा गांव उठा के पूरा धीरे में डाल दिया 2 किलोमीटर दूर। ना तो लोग रात को जा सकते हैं, ना दिन में जा सकते हैं। नहर पड़ती है बीच में, हाईवे पड़ता है बीच में, और लोग बार बार एप्लीकेशंस दे रहे हैं कि हमारा जो एरिया ये 40 नंबर में डाला जाए, क्योंकि हम हैं ही 40 के। इन लोगों ने कैसे किया पता नहीं। तो मैम, इस बारे में आपके द्वारा कोई लिखती शिकायत जो है प्रशासन तक पहुंचाई गई कि हमारा हिस्से को काट करके धीरे में डाल दिया गया? हाँ जी, हाँ जी, पिछले बार भी डाली थी और अभी भी लिखी हुई है, लोगों ने साइन करके दिए हुए हैं कि हमारा जो एरिया ये ढाकी में डाला जाए। मैडम, क्या कारण था ये जो इतना सा हिस्सा उठा के धीरे में डाल दिया? राजनीतिक रंजिश थी वो। मैं भी बीजेपी की थी, एमसी नहीं चाहता था कि मैं जहाँ से इलेक्शन लड़ूं कभी, जहाँ उसके आगे कोई और बंदा खड़ा हो जाए। उसने जो जो बंदा आगे आया खत्म कर दिया। मैडम, एक आखिरी सवाल, क्या कारण रहे थे आपकी हार के? हमें यही नहीं पता था हमारा एरिया नहीं है, क्योंकि 2 लिस्टें आई थी, उसमें हमारा एरिया ढाकी में था, जो वोटर लिस्टें थी। तो मेरे को तो यही नहीं पता था कि एरिया कहाँ है, तो हम लोगों ने करी भी नहीं, गए भी नहीं थे वोट मांगने।
मैम पार्षद का एमसी का रिपोर्ट कार्ड तैयार हो रहा है, उसके कामकाज को देख करके नंबर देने हो 10 में से तो कितने दो? मुझे तो जीरो नहीं नजर आती। इस वक्त मैं खड़ा हूँ वार्ड नंबर 40 के बाजीगरा मोहल्ला में और मैं बात करने जा रहा हूँ प्रकाश चंद जी से, जिन्होंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से यहाँ पे एमसी का इलेक्शन लड़ा था पर बदकिस्मती इनकी हार हुई। जानते हैं क्या कारण थे इनके हार के। नमस्कार सर। तुसी इलेक्शन लड़िया सीगा वार्ड नंबर 40 दे विच, कांग्रेस पार्टी वालों तुहानू सीट मिली सीगी और बदकिस्मती नाल किसी कारणवश हार हो गई, तो की कहना चाहोगे इस वेले की हालात ने तुहाडे वार्ड दे वार्ड नंबर 40? हालात बहुत वधिया ने जी, बहुत वधिया हालात ने। किस तरह के काम हो रहे ने? काम बिल्कुल वधिया करा रहे जी। पानी बहुत गंदा आ रहा, अबला ते मुहैया ही नहीं हो पा रहा, तुसी कह रहे हो भी बहुत काम हुए ने, इहदे बारे की कहना चाहो? 1995 टूट जिहे दा लगा था, पूरी टाकी इत्थों पानी भर रही है जी, उस तों बाद कदी विच खराब हो जांदा, हुण जिहड़े मतलब लॉकडाउन दे दौरान खराब जिले हो गई, उस टाइम कारपोरेशन से एम एल ए साहब ने बंदे भेजे, उस टाइम से आगे ठीक किया जी, ठीक करके सर उन्हें बेच मोटर जल्द फिट की है, सर बदकिस्मती है कि जो मोटर फिट की है तो वो खराब हो सकता, किसी का भी कोई दोष नहीं है। जो गल करिए इतों के एम सी राजकुमार जी, उन्होंने कहना है भी जो राशन लॉकडाउन के राशन वितरण की गल हुई थी तो कहते भी इन्होंने आपसी लैके राशन तो जोड़ा है अपने लोगों भी वंट दिता गया, ये बारे की कहना चाहो? सर मैं बेनती करा जिन्हों बंद कार्ड डिलीट हो गए उन्होंने राशन नहीं मिले, और बाकी 2 रुपये वाली कणक जी बाकी राशन कार्ड वालों मिल गई थी, असं कमेटी गए हाँ, साढ़े मेरे पूरी टीम गई ने, बच्चे मेरे गए ना, जाके उसे प्रमोट कराया, मतलब भी 50 बोरियां प्रमोट किया भी जिन्होंने डिलीट कार्ड होते हैं, वो चक अपने एम एल ए साहब के ब्रदर आशीष बीर जी और कारपोरेशन जिनी भी टीम सी सर सारी आई है, उत्थे गिनती नाल बोरियां लिया जी, 47 बोरियां पहले निकली, फिर उन्होंने कई बड़ी विधवा बच्च आ गई, उन्होंने एक एक दे के साढ़े को बिल्कुल प्रूफ यदा है, असं एक एक फोटो ना खिंची हैगी है, तो बाकी जो ढंग इस बार का पूरा काम होता जी, ट्यूबवैल एक नवा लग गया सर, अमित बीर जी ने घर लवाया है, बाकी चौरी परिवार का अं दे नहीं दे सकते जिन्होंने अपने को जमीन दे के और सू बिल्कुल अच्छे ढंग ट्यूब लगा के दिता। तुहाडे कहे अनुसार प्रकाश चंद जी भी सारे काम अगर अमित बीर जी करा रहे कांग्रेस सरकार करवा रही तो फिर तुहाडे जिहड़े एम सी ने इत्थे भारतीय जनता पार्टी श्रोमणी अकाली दल दे ओह की कर रहे ने? इह सर तुहाडे सामने लभे करदा जिहड़े काम अमित बीर जी ने कराए ने, एम एल ए साहब ने कराए ने, मेरे तो कोई लभे नहीं कदे इन्हें कराया एम सी ने। उन्होंने कहना है भी असी बहुत कम करा रहे हैं जी, असी सड़क भी जड़िया ने बनाइया ने, असी पानी का भी बंदोबस्त करा रहे हैं, नवा ट्यूबवैल भी जरा शुरू कर लगे, ये बारे की कहो? सर नवा ट्यूबवैल जी है अपनी कांग्रेस पार्टी विधायक ने इस मौके से अपने बीर जी अमित बीर जी वो लगा रहे हैं, सारे मोटर फिट हो गई सर, सिर्फ ट्रांसफर फिट होना 2-4 दिन तक ये भी प्रमोट हो जाना। सो मैं एक सवाल पूछागा भी की कारण की रहे थे तुहाडी हार दे कि एडा वधिया अगर तुहाडा होल्ड सी? हार दे कोई किस्म की गल हुंदी है कोई सिर्फ 40-45-50 वोट की गल सी तो हो जाती कारण, चलो इस कोई बड़ी गल नहीं जी। सो अगे अगर पार्टी मौका देगी तो इलेक्शन लड़ोगे? सर जो पार्टी कही जरूर करा जी। सो तुहाडे एम सी के अगर कामों काजा देख के अगर नंबर देने हो 10 विचों तो किन्ने दे? जी मेरे हिसाब से 0 लगता जी। इस वक्त मैं खड़ा हूँ वार्ड नंबर 40 में और आपने देखा वार्ड नंबर 40 का हाल, लोगों को किस तरह के शिकवे हैं अपने पार्षद से, क्या कहना है लोगों का आपने बिल्कुल सुना। तो आइए अब करते हैं बात वार्ड नंबर 40 के पार्षद राजकुमार राजू जी से। जिसलिए मैं अपना वार्ड सांभिया ही ये अंदर सिर्फ स्ट्रीट लाइटा 5 सीवरेज नहीं सी, सीवरेज का ट्रीटमेंट प्लान नहीं सी, ये पहला सब तो पहला मैं जमीन तो चलना पिया, जमीन मिली वार्ड मिलिया खाली, मैं पूरी ढाकी वार्ड नंबर 40 लक्ष्मी गार्डन कलोनी दशमेश कलोनी के अंदर सीवरेज का प्रबंध करवाया, उस वेले मास्टर मोहन लाल जी से 4,85,00,000 रुपये के प्रोजेक्ट लैके आया, ये अंदर मैं सीवरेज पूरी तरह तैयार किया, बाद चो अश्विनी शर्मा जी एम एल ए साहब बने, उन्होंने बदौलत लगभग 1,20,00,000 रुपया वार्ड नंबर 40 दलिया लगा, जोड़ा ज़्यादा पैसा लगा गलिया के अंदर, मैं सब तो पहला पनैल्टी चुनी भी जड़िया सब तो पुरानी ढाकी आ जी देश के दे याद होने तो पहले पुरानी ढाकी आ आरिया का महला बाजीकर महला जिथे कि तुम वेख्या होना जा कि जो फिरे हो तो 3-3 फुट गलिया ने वो अंदर ही मैं सीवरेज का प्रबंध करवाया ता कि लोगों को बाहर जमीन से लैटरिंग कर जाना पैंता सी, मैं सीवरेज करवाया उत्थे गलियां उत्थे बनाइया, ये मैं जरूर मनागा 10-15% काम रह गया वार्ड च होने वाला, पर सरकार के अंदर मेरा हले भी 40,00,000 रुपये का काम पेंडिंग है, 15,00,000 रुपये लोग है जेंटल कलोनी की, 25,00,000 रुपये दलिया होर जैसे मेयर साहब के थ्रू पास कराए देने, बेशक बीजेपी का मेयर रहा
जिन्ना साढ़े वार्ड च काम होया उन्ना ही कांग्रेसी वार्ड च काम होया। राजकुमार जी गल करांगे, तुसी ट्यूबल दी गल कर रहे हो भी एक या दो या और तुसी मशीन भी लिया के आ रहे हो, मोटर भी लगा रहे हो उहदे विच। लोकां दा इह कहना है खास करके ढाकी दे जिहड़े ढाकी पिंड वाला एरिया चंबा रेस्ट हाउस तों उपरला जिहड़ा एरिया भी सानू पीण दे पानी दी बड़ी किल्लत है। ढाकी पिंड जिहड़ा हैगा उत्थे दे लोकां ने हथ खड़े करके सारिआं ने कहा भी सानू पीण दे पानी दी बड़ी दिक्कत है, बड़ी मुश्किल है, इहदे बारे की कहना चाहो? मैं इहदे बारे जी तुहानू इक गल कहना चाहना, पहलां भी मोटरां सड़ियां जिसले साडी कारपोरेशन सी, मोटर सड़दी हाउस साडा सी, मेयर साडा सी, असी तीन जो गर्मी का जनवरी महीना शुरू होंदा तो मेयर साहब नाल मीटिंग होंदी तो पाँच सत्त मोटर स्टैंड बाई रेडी कर देंदे सी भी कोई ना कोई मोटर सड़नी है, क्यों सड़नी तो है ही है, इस कोई शक नहीं। ईवन इस इलाके के अंदर ही मैं वार्ड नंबर 40 तीन बारी मोटर चेंज की है, तुसी विश्वास करो मेरी गल का, लोग भी कहणगे इस गल की भी जे 11 बजे सवेरे मोटर खराब हो रही है तो 11 बजे फिट करके मोटर तो 12 बजे लोगों को पानी दिता। मैं जिस वे हूँ दूजा ट्यूबवैल लगन लगा, सरकार दूजी आ गई, मेयर साहब साढ़े नहीं रहे, तो प्रशासन के अंदर इंचार्ज बन जाता MLA, और MLA ने की किया उत्थे अपने वार्डा के प्रति जो कांग्रेस के वार्ड है निजी उन्होंने ध्यान किया, अफसरों कहा भी कांग्रेस के वार्डा के अंदर काम होना, सरकार कांग्रेस की होने करके वार्ड नंबर 40 के अंदर BJP का MC है, ये उन्हों को बर्दाश्त नहीं हो रहा। मेरी MLA साहब अगे एक गुजारिश है कि मैं 2 बारी वार्ड जितया, 3री बारी मैं वार्ड जितना जितना सीट जरनल करो, तगड़े होकर जरनल करो, तगड़े होकर इलैक्शन होए, मैं काम किते दा विकास किते दा वार्ड के अंदर, मैं पूर्ण विश्वास है मेरी ढाकी की जनता के अंदर भी लोग मैं वोट पाएंगे। कांग्रेस जी हिम्मत है, MLA जी हिम्मत है तो वार्ड में जरनल करे, चुनाव जोड़ा होए बहुमत साढ़े को आएगा। बिल्कुल MC साहब, मैं एक सवाल करांगा भी तुहाडे कहण दे मुताबिक कि तुसीं काम कीते ने, पर जदों असीं जिहड़े कांग्रेस दे उम्मीदवार सीगे जिहड़े इत्थों इन्हां ने इलैक्शन लड़े सी प्रकाश चंद, उह कहिंदे ने भी इस वेले जिन्ने भी काम हो रहे ने, तुसीं गलियां पक्कियां देख रहे हो जां ट्यूबवैल दी गल कर रहे हो जां किते ना किते सीवरेज दी गल कर रहे हो, पीण दे पानी दी गल कर रहे हो, इह कहिंदे सारे काम साडे माननीय विधायक अमित विज जी करवा रहे ने, कांग्रेस करवा रही है, MC साहब वल्लों कोई भी काम नहीं होया, की कहना चाहोगे? उहनूं खिलारो प्रकाश नूं मेरे सामने, जिहड़ी बाजीगरां दे मल्ले गलियां बणियां किहदी सरकार 'च बणियां पुछो उन्हूं, जे मुख्य घर की गली जी नक्शे च पास नहीं वह भी मैं बनाई प्रकाश के घर की, जे रब नूं जान देनी तो मेरे सामने एक मंच ते आन, एक मंच ते उन्हूं बिठा लो, एक मंच ते मैनूं बिठा लो, तुहानूं दुध दा दुध ते पानी दा पानी हो जाएगा, ये तो झूठ से पापड़ वेलना गिजे ने। कोई MLA ने काम नहीं कराया, MLA के काम वो होए ने जिहड़े हुण शुरू होए ने, पास जिहड़े वो कारपोरेशन करती है ये सारिआं नूं पता, MLA नूं पता भी जिहड़े कारपोरेशन MLA दी ताकत है नहीं सीधे काम लाने की बिना कारपोरेशन तो, जिदा चर कारपोरेशन हूँ उस ताकत बन गई क्यों कारपोरेशन है नहीं, हूँ कमीशन कह के काम लवा सकता। आपां तैयार हाँ भी प्रकाश चंद इलैक्शन लड़ना तो जनरल सीट करा के आ मेरे सामने एक बार फिर दुध दुध पानी हो जाएगा। गल करांगे दशमेश गार्डन कलोनी दी, तुहाडे वार्ड का एक बड़ा ही अहम हिस्सा हैगा, उत्थे 4 गलियां जिहड़ियां असीं देखिए पक्की, जिहड़ी 5वीं गली है उत्थे तो लोगों का यह कहना है भी साडी गली वल ध्यान नहीं दिता, बाकी गलियां पक्की हो गई। भाई मैं तुहानूं अगे भी कहा भी साडा 25 लाख रुपया बैलेंस है वार्ड नंबर 40 का, जिहड़ा कि होश च काम पास होएगा, तो सरकार की नलैकी आ जिहड़ी आ सरकार नलैकां दी आ, इहनां दी नलैकी आ, इह थोड़े थोड़े पैसे दे के ना काम चालू कराते हैं, पर काम शुरू उदो कराएंगे जो इन्हों चुनाव के लागे दिन आ जाएगा, फिर कराएंगे ना झंडी देंगे, पर जनता जानती है यदा मैनू पूरा पता भी अं काम उसे पास कराया था। हूँ तो साड़ी जी MLA ने इतों कहते भी इन्हें फोन नहीं चुकने, कि चिर नहीं फोन चुकन गए अफसर, 1 साल रह गया, 6 महीने पहले अफसर बदल जाते हैं, ये MLA पता होना चाहिए, काम हो ही जाने काम रुकने थोड़ा। अगर जे वह बाजीगर महल की गल कर तो मैं उत्थे काम कराए ने, जिन्ना काम उत्थे होया तुसी विश्वास करो गल दा, 2.5 फुट गली च सीवरेज पैंदा, मैं तुहानू उस गली च लै चलना, चलो मेरे नाल 1.5 फुट गली च सीवरेज पैंदा, मैं 1.5 फुट गली च भी ड्रैंग चेंज करके सीवरेज पवाता, फुट चौड़ी होती तो 4 फुट लंबी। बाजीगर महल च पूरे च नहीं पानी की समस्या हैगी, चंद घर है, बाजीगर की चिंता ना करो, वो साडा परिवार ही है, सब ठीक हो जाएगा, नो प्रॉब्लम। गल करांगे कूड़ा लिफ्टिंग की, जिहड़ा कूड़ा चक्कण वाले आते हैं, लोगों की कई शिकायत है भी 60 रुपये महीना जिहड़ा प्रति घर लगाता जी, जबकि यह सरकार की जिम्मेवारी बनती सी, पर फिर भी असी जो 60 रुपये महीना दें पर फिर भी कूड़ा चक्कण वाले जिहड़े ने मर्जी के नाल आउंदे ने, की कहना चाहो? जिस वेले ये परंपरा 60 रुपये वाली शुरू की गई तो मैं अफसर नाल गल की, कहिंदे जी पंजाब सरकार दे वल्लों आई है, DC साहब ने कहा 60 रुपये घर प्रति लैना,
ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਾਜਾ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਿਲਕੁਲ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਮੁੰਸ਼ੀ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਓਪੋਜ਼ਿਟ ਇੱਕ ਆਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸੀਗੇ ਮਧੂ ਰਹਿਣਾ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸ਼ਿਕਵਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਜੂ ਜੀ ਹੁਣਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਧੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਕਸ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ, MLA ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਪਾਈ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਹੋਈ ਇਹ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਲੇਡੀ ਹੋਈ, ਲੇਡੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਰਨਲ ਹੋਈ, ਲੇਡੀ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੋਲੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਇਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਧੀਰੇ 'ਚ ਆ, ਪਰ ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 40 'ਚੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਘਰ 45 'ਚ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 45 'ਚ ਹੈ। ਟਿਕਟ ਮੰਗਣ ਤੱਕ ਇਹ ਸਹਿਮਤ ਰਹੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। 5 ਸਾਲ ਬੀਤ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਸਮਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਕਾਂਗਰਸ ਟਿਕਟ ਲੈਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਦੇਣੀ ਹੈ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਪਰ ਜੇਕਰ ਟਿਕਟ ਇਹਨਾਂ ਲੜਨੀ ਹੈ ਤਾਂ MLA ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ 10 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਢਾਕੀ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਲਾਸਟ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਰਡ ਜਰਨਲ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਬੋਲੀ? ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਮਹੱਲੇ ਦੀ, ਜੋ ਏਅਰਪੋਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਏਰੀਆ ਆਉਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਰੰਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੀ, ਔਰ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਅਸੀਂ 2 ਵਾਰੀ MC ਬਣੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪਲਾਟ ਲਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਲਾਟ 'ਚੋਂ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਰਸਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਆ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ, ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਰਸਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਹਾਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। MC ਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਨੇ 14 ਤਰੀਕ ਦੇ ਮਾਰਚ ਦੇ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ 'ਤੇ ਚੱਲਣੇ ਜਿੱਥੇ MLA ਆ। MLA ਕਹੇਗਾ ਯੈਸ ਤੇ ਯੈਸ, ਜੇ ਕਹੇਗਾ ਨੋ ਤੇ ਨੋ। ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕਰਨ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣੀ ਸਾਡੇ ਹੋਣੇ ਆ। 24 ਘੰਟੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਫੋਨ ਕਰੇ ਮੈਂ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਟੈਂਪ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੋਹਰਾਂ ਸਾਈਨ ਤਕਸੀਕ ਉਹ ਮੈਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾੜਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਆ ਵੀ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕੰਮ ਤਾਂ ਕਰਨੇ MC ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਵੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸੀਟ ਜਰਨਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਓ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਲਾਂਗੇ, ਪੂਰਾ ਬਹੁਮਤ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਦਿੱਤੇ, ਕਈਆਂ ਨੇ 5, ਕਈਆਂ ਨੇ 10 ਵੀ ਦਿੱਤੇ, ਅਤੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 0 ਵੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ 0 ਵਾਲੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਦੇਣੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦਰ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ 0 ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ, ਫਸਿਆ ਕਹਿਣਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਰੰਪਰਾ 0, ਇਹ ਜਿੰਨਾ ਸਾਨੂੰ 0 ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਉਨੇ ਹੀਰੋ ਬਣਨਾ। ਸਾਡੇ ਕੰਮਾਂ ਅੱਗੇ ਰੋੜੇ ਬਣੇ ਨੇ ਇਹ ਐਂਡ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 450 ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਲਵਾਈ ਹੈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਲਾਈਟ ਆਈ ਸੀ ਲਵਾਉਣੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਫਿਟਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਮੈਂ ਲਾਈਟਾਂ ਹੀ ਚੁੱਕ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਕੇ ਕਮੇਟੀ ਕਰੋਂ ਆਪਣੇ ਦੇ ਲਵਾਈਆਂ। ਮੈਂ 25,000 ਰੁਪਈਆ ਵਾਰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਜੇਬ 'ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਲਾਈਟਾਂ ਲਵਾਤੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 0 ਕਹਿਣਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਮਜ਼ਾ ਤਾਂ ਜੇ ਲੋਕ 0 ਕਹਿਣ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜੋ ਚੁਣਾਵ ਹੋਏਗਾ 0 ਨਿਕਲਣਾ ਕਿ ਹੀਰੋ ਨਿਕਲਣਾ ਇਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਹੀਰੋ ਬਣਾ ਕੇ ਕੱਢਣਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਸੋ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਜੀ, ਫਾਸਟਵੇ ਨੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਪਾਰਸ਼ਦਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅਨਿਲ ਖੁਰਾਨਾ ਜੀ ਔਰ ਜਤਿੰਦਰ ਸ਼ਰਮਾ ਜੀ ਜੀਤੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਸਟਵੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇਖਦਾ, ਲਗਭਗ 90% ਲੋਕ ਫਾਸਟਵੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, 90%। ਔਰ ਜੋ ਫਾਸਟਵੇ ਚੈਨਲ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਕੱਢੇਗਾ ਸਿਰ ਮੱਥੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਪ੍ਰਤੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਾਂਗਾ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਨਿੱਜੀ ਅੱਜ ਕਹੀ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਫ਼ਾ ਸ਼ਮਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੇ, ਹੋਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਸੋ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਜੂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ? ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਰਾਜੂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਥਿਤੀ 'ਚ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਹਰ ਕਿਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹਾਂ, ਬਾਰੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਢਿੱਡੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਸੀ ਕੋਈ ਸਥਿਤੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਹ ਸੀਟ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਵੀ MLA ਨੂੰ ਕਹੋ ਬਸ ਤੂੰ ਜਰਨਲ ਕਰ ਦੇ, ਜਿੱਤਣਾ ਨਾ ਜਿੱਤਣਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ,
सीट बीजेपी की झोली पावे। सो ये थे वार्ड नंबर 40 के पार्षद राजकुमार राजू। आपने देखा कि किस तरह से बेबाक तरीके के साथ इन्होंने बताया कि इन्होंने वार्ड में बहुत से काम किए हैं और लोगों के जो आरोप हैं इनके प्रति कि जहां पे काम नहीं है, तो वहां पे इन्होंने सीधी तरह से बताया कि कहीं ना कहीं उस पे जो है वो कांग्रेस पार्टी का हाथ है, वो काम नहीं होने दे रही। पर जहां पे काम की बात आई, इन्होंने बोला कि कॉरपोरेशन इनकी थी, इन्होंने वो टेंडर पास करवाए हैं, इन्होंने ही पूरा जोर लगाया है, जद्दोजहद की है, उसके बाद जो है वो काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ इन्होंने आगामी इलेक्शन के बारे में भी ये बात कही है कि अगर जनरल सीट भी हो जाए तो भी ये जो सीट है जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। सो किस तरह के जो बात है वो निकल करके सामने आएगी, ये तो आने वाले समय ही बताएगा। फिलहाल चलते हैं, हम रुख करते हैं स्टूडियो की तरफ। कुल मिलाकर स्थिति उतनी बुरी नहीं थी जितनी हमने पिछले वार्ड पार्षद के कुछ एपिसोड्स में देखी, जैसे वार्ड नंबर 14 और वार्ड नंबर 8 में, और अब वार्ड नंबर 40 के पार्षद का लेखा जोखा। अब बात करते हैं वार्ड नंबर 40 के पार्षद के रिपोर्ट कार्ड के अंकों की। इसके लिए जिन विषयों को हमने चुना है उनमें है सफाई व्यवस्था, गली नाली, सीवरेज व्यवस्था, पीने का पानी और आचार व्यवहार। सफाई व्यवस्था, सफाई व्यवस्था के लिए वार्ड नंबर 40 को मिलते हैं 10 में से 6.5 अंक। सफाई व्यवस्था के लिहाज से ये वार्ड साफ सुथरा है, कहीं कहीं पर गंदगी है, इसकी समस्या भी है, कूड़ा भी रूटीन से लिफ्ट होता है। भले ही लोगों को इसके लिए 60 रुपए प्रति घर से प्रति माह दिए जाते हैं, इसकी शिकायत उन्हें है, पर फिर भी यहां सफाई है। सीवरेज व्यवस्था, सीवरेज व्यवस्था के लिए वार्ड नंबर 40 को मिलते हैं 10 में से 5.5 अंक। सीवरेज व्यवस्था की यहाँ समस्या कम है, कहीं तो बिल्कुल ही नहीं है, जहाँ कहीं भी दिखाई दी वो ना के बराबर है, इसलिए सीवरेज व्यवस्था को इतने अंक दिए जा रहे हैं। गली नाली, गली नाली के लिए वार्ड नंबर 40 को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। वार्ड की सारी गलियां बनी हैं सिवाय दशमेश नगर की गुरुद्वारा साहिब वाली गली को छोड़कर, और इसके अतिरिक्त नालियों में गंदगी है, लेकिन वो इसलिए है कि यहाँ पर प्रॉपर रूटीन से सफाई नहीं होती है। पीने का पानी, पीने के पानी की समस्या इस वार्ड में तकरीबन हर जगह है, लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, खींच रहे हैं, और बार बार वो जिला प्रशासन से, नगर निगम से, पार्षद से गुहार लगा रहे हैं कि उनकी इस समस्या को हल किया जाए। हालांकि ये व्यवस्था लॉकडाउन से पहले नहीं थी, लॉकडाउन में ही ये समस्या सबसे ज्यादा उभर कर आई है, इसीलिए पीने के पानी की व्यवस्था को वार्ड नंबर 40 को मिलते हैं 10 में से 4 अंक। आचार व्यवहार, आचार व्यवहार की दृष्टि से भाजपा पार्षद राजकुमार राजू को मिलते हैं 10 में से 7 अंक। ये 7 अंक उसके लिए दिए जाते हैं जो लोगों ने इनके बारे में अच्छे अच्छे विचार कहे। लोगों का कहना है कि वे लोगों के दुख सुख में आते हैं, एक फोन करने पर चले आते हैं, लोग कोई भी समस्या उनके पास लेकर चलते हैं तो वो उसे पहल के आधार पर हल करते हैं। लोगों का कहना है कि वो एक सफल पार्षद हैं, इसलिए उन्हें 10 में से 7 अंक मिलते हैं। ये तो था वार्ड नंबर 40 के पार्षद के अंकों का ब्यौरा। अंकों के ब्यौरे के हिसाब से हम पार्षद को देते हैं 10 में से 6 नंबर। तो देखा आपने किस तरह से बेबाक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पार्षद राजकुमार राजू ने कहा कि अगर विधायक, अगर सरकार जनरल सीट करती है तो वो ये सीट पूरी दावेदारी के साथ जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे। और दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश चंद का ये कहना है कि वार्ड में जितने भी कार्य हुए हैं ये सारे माननीय विधायक अमित विज के द्वारा हुए हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुए हैं। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि जनता जनार्दन जो है वो किसके कामों को तरजीह देते हुए, किसके कामों को देख करके वोट जो है वो किसकी झोली में डालती है। तो यह तो रही यात्रा वार्ड नंबर 40 की, जिसमें हमने जिक्र किया वहां की समस्याओं का, हालात का, उनकी भावनाओं का। और अगर आपके पास कोई सुझाव है तो हमें नीचे दिए गए नंबरों पर जरूर संपर्क करें, क्योंकि आपके सुझाव हमारे लिए बेशकीमती हैं। और इसके बारे में तो हम बस इतना ही कहेंगे कि हर चीज़ की कीमत तो वक्त आने पर ही होती है। मुफ्त में मिलने वाला ऑक्सीजन अस्पतालों में महंगा बिकता है। नमस्कार।